नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। आज की इस क्लास में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 के कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस को देखेंगे। इससे पिछले वीडियोस में हम एपी में nth टर्म को फाइंड करना सीख चुके हैं। आज हम एन नंबर ऑफ टर्म्स का समेशन फाइंड करना सीखेंगे, एन पदों का योग ज्ञात करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाना चाहूंगा। जैसे मैं कुछ लिमिटेड टर्म्स आप लोगों के सामने लिख रहा हूं, जैसे मैं लिख देता हूं 1, 3, 5, 7 एंड 9। ठीक है, बताइए इन सभी टर्म्स को जोड़कर कितना आता होगा। तो देखो, एक एक करके इनको ऐड कर लो भाई लोग। 3 और 1 4, 4 5 9, और 9 और 7 16, और 16 और 9, इन सबको ऐड करके आ रहा है 25। लेकिन यहां पर तो ना नंबर ऑफ टर्म्स बहुत ही लिमिटेड थे, 5 ही टर्म थी आपके सामने। टोटल टर्म्स कितनी है यहाँ पे? 5। तो आपने बड़ी इजीली आंसर कर दिया 25। ठीक है, लेकिन मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट होता, जैसे डॉट 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 करके मान लीजिए यहां पर 151 आ गया। अब बताइए इन सभी टर्म्स को कैसे ऐड किया जाए। अब बताओ सबको जोड़कर कितना आएगा। देखिए अब यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा हो गई हैं, अब हम एक एक करके तो इन्हें ऐड नहीं करेंगे भाई, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो कोई फॉर्मूला होना चाहिए हमारे पास जिससे कि डायरेक्टली मैं सबको ऐड कर दूं। ठीक है, तो वो फॉर्मूला क्या होना चाहिए, उस चीज को बट हम लोगों ने यहाँ पे ड्राइव करने की कोशिश करनी है। बात समझ में आ रही है बच्चों कि हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं? तो चलिए देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो देखिए अभी जो है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, इनको जोड़ के जो भी आता हो मैं उसको एस नाम दे रहा हूं, समेशन, सम, योग, एस। ठीक है, आंसर आपको मालूम है कि सबको ऐड करके आना है 25। लेकिन अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाए, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए एक तरीका होता है बेटा, एक जुगाड़ है एक प्रकार से। जुगाड़ क्या, जरा देखिएगा, ये जितने भी टर्म्स इसमें गिवन थे एक बार इनको दोबारा से लिखो। ठीक है, दोबारा मतलब 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, ऐसे नहीं लिखना, लेकिन हमने उल्टे से स्टार्ट करना है। सबसे एंड वाली टर्म को सबसे पहले लिखना है, उसके सेकेंड लास्ट टर्म को दूसरे नंबर पे लिखना है, फिर ऐसे 5, फिर ऐसे 3 और फिर ऐसे 1। बात समझ में आ रही है बच्चों? आपको ये बात समझ में आ रही है? अब इनको प्लस कर लो, अब इन्हें प्लस कर लीजिए। अब देखिए एस में एस प्लस करेंगे बेटा, एस में एस प्लस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 10। बताइए 9 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। बताइए 3 में 7 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10। बताइए 5 में 5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 10। बताइए 7 में 3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 10। ऐसी 9 में 1 प्लस करके क्या आता है बच्चे, 10 आता है। तो आप यहां पे एक चीज देखेंगे कि ये जो 10 है यहां पे, ये 10 कितनी बार आ गया, ये 10 यहां पे 5 टाइम्स आया। 5 टाइम्स क्यों आया था, क्योंकि टर्म भी कितनी थी टोटल, 1 2 3 4 टर्म्स 5 थी। तो भैया 10 भी कितनी बार आएगा, 5 टाइम्स आएगा। और आप एक चीज और ऑब्जर्व करेंगे, चाहे आप इन दोनों को प्लस करो, चाहे इन दोनों को प्लस करो, या इन दोनों को प्लस करो, या इन दोनों को प्लस करो, या इन दोनों को प्लस करो, समेशन हमेशा सेम आता है, कभी अलग आता ही नहीं है। वो आप लोगों ने इस चीज में देखा होगा, 10 10 10 समेट 10 आ रहा है। तो 10 यहाँ पे आ गया 5 टाइम्स, तो इसको 10 × 5 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 10 5 टाइम्स आ रहा है, यानी कि इसको 50 लिखा जा सकता है। तो 2s की वैल्यू 50 आ जाएगी। तो बताओ बेटा s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपके एस की वैल्यू आ जाया करेगी 25। आपके समेशन एस की वैल्यू आ जाएगी 25। बच्चों यहां तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिया था कि 25 आया है, लेकिन अब अगर जनरल टर्म्स की बात करें, ठीक है, अगर जनरल टर्म्स की बात करें, देखो मैं फॉर्मेट डिराइव कराना चाह रहा हूं, बाद में तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मल लिख ही देना है। ठीक है, इसको भी समझ लो जो समझना चाहते हैं उनके लिए, बाकी जो इस डेरिवेशन वगैरह को नहीं देखना चाहते, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मल लिखूंगा भाई। ठीक है, देखो बेटा नेक्स्ट क्या है, अगर मान लीजिए कॉन्सेप्ट वही, समेशन ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, किसी एपी में पहले एन टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो देखिए याद रखिएगा बेटा, मान लीजिए a1 a2 a3, मैं 3 टर्म्स को जोड़ रहा हूं तो इसको S3 बोला जाता है। अगर मैं 4 टर्म्स को जोड़ूं तो इसको S4 बोला जाता है। अच्छा, अगर मान लीजिए मैंने सिर्फ एक ही टर्म यूज करी है, तब आप इसको S1 लिखेंगे।
अगर दो टर्म्स यूज हुई हैं तो एस टू लिखे, मतलब जितने भी टर्म्स को आप जोड़ोगे उतना ही एस के साथ आपने यहां पे नीचे लिखना है, ठीक है? ओके, ऐसी अगर मैं बोलूं कि मैं एन टर्म्स को जोड़ रहा हूं, एन, अब एन कुछ भी हो सकता है, 10, 50, 100, 1000 कुछ भी हो सकता हो, तो A1, A2, A3 एंड सो ऑन, ऐसी कहां तक चलता रहेगा, An-1, और ऐसी लास्ट कहां तक चलेगा भाई, ये An तक चलेगा ना। जैसे अगर मैं बोलता हूं 5S5, तो इसका मतलब क्या होता है, A1+A2+A3+A4+A5, ऐसी मतलब ये जो नंबर है वहां तक हम लोगों ने गिनती को लेके जाना है। तो यहाँ पे एन लिखा हुआ था तो भाई मैं इसको एन तक लेके चले गया। ओके, अब जरा देखिएगा, मुझे इनका समेशन फाइंड करना है, तो समेशन फाइंड करने का तरीका आप लोगों को बेटा मैंने बताया कि SN को दोबारा लिखेंगे, लेकिन इस बार जो सबसे लास्ट वाली टर्म है उसको सबसे पहले लिखा जाएगा, उसके बाद N-1, ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा A2, और फिर क्या आ जाएगा आपका, A1 आ जाएगा। ये बात ठीक है बच्चों? जब इतना हो गया, अब इनको प्लस करना है भाई, प्लस करना है। तो देखो, SN में SN जोड़ोगे, SN में SN प्लस करोगे बेटा आप लोग, तो क्या मिलेगा आप लोगों को, आपको मिलेगा ट्वाइस ऑफ SN। ओके, अब ऐसे ही इस A1 में अगर आप AN को जोड़ दो, A1 में क्या जोड़ना है, AN को, ठीक है? ये चीज आ गई। अब बताओ A2 में अगर An-1 जोड़ू, तो क्या आपको नहीं लगता कि यहां पर भी सेम ही चीज आएगी, अलग नहीं आएगा? ऐसी अगर मैं इन दोनों को भी जोड़ू तो वही चीज आएगी, कुछ अलग इसमें नहीं आएगा। तो आप डायरेक्ट क्या ले सकते हैं, A+AN, और यहाँ लास्ट में भी A, लास्ट में भी क्या लिखेंगे, A+AN। ये चीज बेटा मैंने आपको अभी ऊपर वाले एग्जाम्पल में बताई थी कि AP में अगर आप इन टर्म्स को दोबारा लिखते हैं, 1, 3, 5, 7, 9 को अगर आप दोबारा लिखते हैं, लेकिन वो भी रिवर्स से, 9, 7, 5, 3, 1, तो पहले और आखिरी को जोड़कर जो चीज आ रही है, यानी कि 1+9, इस 1 में अगर आप 9 को प्लस कर दो, तो मैंने वही किया है, 1 में मैंने इस 9 को प्लस कर दिया है, तो क्या आंसर आया, 10। और उसके बाद जितनी भी टर्म्स थी उनको सोचने की जरूरत ही नहीं है, उन सब में अपने आप ही क्या आना है, 10 आना है। तो सेम लॉजिक, सेम कॉन्सेप्ट बेटा मैंने यहां लगाया है, अगर इस A1 में इस AN को प्लस कर दूं, ये चीज आ रही है, यानी कि आगे भी इन सबको प्लस करके सेम ही चीज आती होगी, तो आप यहाँ पे कुछ अलग नहीं लिखेंगे। अगर आप इस एग्जाम्पल को नहीं समझ पा रहे इससे, तो देखो मैं आपको वेरीफाई करवा के दिखाता हूँ। एक दूसरी AP ले लेते हैं, 7, 10, 13, 16, राइट? मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, 16 पहले लिख रहा हूँ, 13 बाद में लिख रहा हूँ, फिर 10 लिख रहा हूँ, फिर 7 लिख रहा हूँ। अब जरा इनको प्लस करके देखो भाई, 7 और 16 कितना आएगा, आप देखेंगे 23, 10 और 13 कितना आएगा, आप फिर से बोलेंगे 23, अगेन 23, अगेन 23। तो गाइस यहाँ पे 23, 23, 23 आ रहा है भाई, हर बार सेम आ रहा है। तो सेम चीज बेटा मैं यहाँ पर भी बोल सकता हूँ कि A+AN, A+AN, हर किसी टर्म में A+AN ही आएगा। बात समझ में आ रही बच्चों? मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब जरा देखिएगा, इस वाले एस में टोटल टर्म्स थी कितनी, 1, 2, 3, 4, 5 टर्म्स थी, तो इसलिए 10 भी कितनी बार आया, 5 बार आया, सही बात है? फिर मैंने आपको नीचे भी एग्जाम्पल दिया, 7, 10, 13, 16 कितनी टर्म्स होगी, 4, और 23 भी देखो कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, यानी कि 23 की मल्टीप्लाई किससे करनी होगी, 4 से करनी होगी। एक एग्जाम्पल और देखो, मान लेते हैं मैं एस ले लेता हूं, 1, 5, 9, 13, 17, 21, ठीक है? अब इसको उल्टा लिख रहा हूं, 21, 17, 13, 9, 5, 1, जोड़ो भाई सबको, 22, 22, 22, 22, तो आप देख सकते हैं 22 यहाँ पे कितने बार आ गया भाई लोग, 22 यहाँ पे 6 टाइम्स आ गया। 6 टाइम्स क्यों आ रहा है, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल टर्म्स ही कितनी है, 6, तो 22 भी कितने बार आएगा, 6 बार, इसलिए 22 की मल्टीप्लाई किससे करनी होगी, 6 से करनी होगी। तो भाई लोग यहाँ पर ये जो A+AN है, A+AN, सोचिए ये कितनी बार रिपीट करता होगा, तो देखो टर्म्स कितनी है, 1, 2, 3, ऐसी डॉट डॉट डॉट, 4, 5 मत बोल देना भाई, ठीक है? फ्लो फ्लो में N-1 और N टर्म्स है भाई, तो इसलिए इस A+AN की मल्टीप्लाई भी किसके साथ हो जाएगी, N के साथ हो जाएगी, और ये आपकी वैल्यू आ रही है ट्वाइस ऑफ SN की। बट हमें ट्वाइस ऑफ SN नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, हमें चाहिए SN, समेशन ऑफ N टर्म्स। तो इस 2 को उठा के इस N के नीचे ले आओ, तो ये क्या बन जाएगा, N/2, और क्या बचेगा, A+AN। और गाइस ये एक फॉर्मूला हम लोगों ने ड्राइव कर लिया, हमने समेशन ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला ड्राइव कर लिया है। फॉर्मूला क्या है, मैं उसको दोबारा लिख देता हूं,
समेशन ऑफ एन टर्म्स, फॉर्मूला है एन बाय टू, फर्स्ट टर्म में जोड़नी है लास्ट टर्म, उसकी मल्टीप्लाई कर देनी है टोटल नंबर ऑफ टर्म से, और उसको हाफ से हमने उसको टू से डिवाइड भी कर देना है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ऐसा एग्जाम्पल लिखूंगा जिससे आप अपने आंसर को तुरंत वेरीफाई भी कर सकते हैं। मैं एक एपी लिख रहा हूँ आपके सामने, एपी है 1, 4, 7, 10, 13, 16, ये छोटी सी एपी लिखी है मैंने आपके सामने, इसमें टर्म्स कितनी है आप देख सकते हैं, इसमें 6 टर्म्स हैं। अच्छा जरा सबको जोड़ के बताओ, ऐड करके सबको कितना आएगा, सबको अगर ऐड कर दिया जाए तो कितना आएगा, तो 16 में 13 ऐड करेंगे 29, 29 में 10 ऐड करेंगे 39, 39 में 7 ऐड कीजिए 46, और 46 में 4 ऐड कीजिए 50, और 50 में 1 ऐड कीजिए, आंसर आपको मालूम है कितना, 51। अब मैं इस फॉर्मूले के जरिए इनका समेशन फाइंड करना चाहता हूं, तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म कितनी, एक। अच्छा एन का मतलब होता है लास्ट टर्म, आपने समेशन कहां तक का फाइंड करना है, मुझे यहां तक का समेशन फाइंड करना है, तो लास्ट टर्म आप कह सकते हैं कि एन, ठीक है। और एन आपके यहां पे, एन आपके लिए यहां पे कितनी है, 16 है, राइट। अच्छा टोटल टर्म्स कितनी है इसमें, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, टोटल टर्म्स इसमें 6 हैं, और आपकी लास्ट टर्म यानी एन, और लास्ट टर्म को आप 6th टर्म भी कह सकते हैं क्योंकि एन 6 है ना इसमें, ये छठे नंबर पे तो आती है, और लास्ट टर्म आपकी कितनी होगी, 16। हमें समेशन फाइंड करना है, तो समेशन के लिए फॉर्मूला सबसे पहले एन की वैल्यू 6/2, फिर ए ए यानी कि 1, एन यानी कि 16, और ये बन जाएगा 60, ये जो 6 जो है ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा 17, और 7 × 3 करके आपके आंसर ने कितना आ जाना है, आप देख सकते हैं आपका आंसर 51 आ चुका है। बच्चों बताइए आपको ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, अगर ये चीज आप समझ चुके हैं तो इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करना, और अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखना, और फिर अपने आंसर को वेरीफाई करना कि आपका आंसर सही है या नहीं है, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एपी लिख रहा हूँ, एपी मैं आपके सामने एपी लिख रहा हूँ, 2, 2, 6, 10, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
26 30। एक एपी मैंने आपके सामने लिखी है, ठीक है, और इनका समेशन फाइंड करना है, फाइंड सम, इनको जोड़ के कितना आता होगा। वीडियो को आप पॉज कर लीजिए, वीडियो को आप पॉज कर लीजिए और अपने आंसर को कमेंट में लिखिए, ठीक है, पॉज करो। अब देखिए जो भी आपका आंसर है आपने कमेंट बॉक्स में लिख दिया, अब मैं इसका आंसर निकाल रहा हूं, फिर अपने आंसर को वेरीफाई करो कि आपका आंसर सही है या नहीं है, ठीक है, अपने आंसर को एक बार करेक्ट करो। मेरी कोई गलती हो तो भाई कमेंट में लिख देना कि मैंने गलत किया है, ओके। देखिएगा हमें समेशन फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म कितनी है, ए कितना है इसमें, टू, ओके, ए टू हो गया। टोटल टर्म्स कितनी है, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, टोटल टर्म्स कितनी है इसमें, एट। अच्छा बताओ भाई लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म है 30, ओके, लास्ट टर्म को हम एट्थ टर्म भी बोल सकते हैं, एट्थ टर्म भी बोल सकते हैं 30। हमें समेशन फाइंड करना है एस एन, तो फॉर्मूला होता है एन बाय टू ब्रैकेट में ए प्लस में ए एन। हमें समेशन फाइंड करना है यानी आठ टर्म का सम फाइंड करना है यानी एस एट फाइंड करना है हम लोगों को, तो एन की जगह एट बाय टू, एन की जगह मैंने एट रख दिया है, तो एट बाय टू, ए की जगह टू और ए एन की जगह 30, 8 से 2 कट जाएगा, बचेगा 4, 32, और आपके आंसर में आना चाहिए 4 3 12, 128, ये आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो देखो आप इस चीज को समझ पाए होंगे। अब इसमें क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ा देते हैं भाई, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अप कर देते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूँ कि एक एपी है, एक एपी है बच्चों, एपी कुछ इस तरह से 6 6 11 16, 6 11 16 21, एंड ऐसे चलती जा रही है, और एक दिन ये एपी खत्म हो जाती है 51 और 56 पे, 56 पे एपी खत्म हो जाती है, शुरू हुई 6 से, खत्म कहाँ हो गई 56 पे। अब मुझसे पूछ लिया जाता है फाइंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ दिस एपी, इस एपी में जितने भी टर्म्स हैं उन सभी टर्म्स का समेशन फाइंड कीजिए,
इस एपी में जितनी भी टर्म्स हैं उन सभी एपी का, उन सभी टर्म्स का समेशन फाइंड कीजिए। तो आप इसमें देखिए फर्स्ट टर्म क्या हमारे लिए, फर्स्ट टर्म गाइस व्हाट इज फर्स्ट टर्म, तो आप वो देख सकते हैं फर्स्ट टर्म इसमें है सिक्स। ओके फर्स्ट टर्म इसमें होगी सिक्स। अच्छा बताइए क्या इसमें आपको नंबर ऑफ टर्म्स मालूम है, बोलो बच्चों क्या इसमें आपको नंबर ऑफ टर्म्स मालूम है, नंबर ऑफ टर्म्स? आपको इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स नहीं मालूम, क्यों नहीं मालूम? देखो पिछला जो क्वेश्चन था उसमें कोई डॉट 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 नहीं थे, आपने एक एक करके सब टर्म्स को गिन लिया था और आपको पता चल गया था कि इसमें टोटल टर्म्स कितनी थी, एट। लेकिन इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या होगी, 6, 11, 16, 21 ऐसे बीच में कई सारी टर्म्स हैं, पता नहीं क्या कितनी है मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनसे एपी बन रही है। तो ये 56 कौन से नंबर पे आ रहा है, जैसे ये पहले नंबर पे आ रहा है, ये दूसरे नंबर पे आ रहा है, ये तीसरे पे आ रहा है, ये चौथे पे आ रहा है, ये कौन से नंबर पे आ रहा है तो मुझे नहीं मालूम ना। लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म है, और आपको मालूम है लास्ट टर्म को हम हमेशा क्या मान के चलते हैं, ए एन, ठीक है। तो यहाँ पे ए एन कितना हो जाएगा, 56। ओके तो आपको इस क्वेश्चन में पहले एन फाइंड करना है भाई, एन पहला काम है एन फाइंड करना। तो गाइस ए एन हो गया 56, और इसमें जो है बच्चों इसमें जो है एन हो गया 56, और हमें कॉमन डिफरेंस भी मालूम है यार, कॉमन डिफरेंस जैसे 11 में से अगर मैं 6 माइनस कर दूं, 11 से 6 माइनस कर दूं तो आपका आंसर 5 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में जो पहला काम है वो क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करने का है, ठीक है, बाद में हम सम फाइंड कर पाएंगे। तो देखो भाई ऐसा है, ए एन का फॉर्मूला होता है, ए एन का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या बच्चे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। गाइस एन की वैल्यू है 56, ए इज 6, एन हमें मालूम नहीं है, ऐसे क्वेश्चन हमने पिछली एक्सरसाइज में करे हैं 5.2 में, आपको ये आता है भाई, ठीक है। बाकी 56 से आप 6 माइनस कर देंगे देन इट विल बिकम 50, और एन माइनस 1 इंटू में 5 है, इस 5 से ये 50 कैंसिल हो जाएगा 10, और गाइस एन की जो वैल्यू है वो बन जाएगी 11, हमारे पास एन की वैल्यू आ जाएगी 11, यानी कि टोटल जो है यहां से यहां तक टोटल देर आर 11 टर्म्स। ओके नाउ नाउ अब हमें समेशन फाइंड करना है, समेशन नाउ वी नीड टू फाइंड समेशन एस एन, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लग जाएगा, एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। गाइस हमें समेशन ऑफ 11 टर्म्स फाइंड करना है, टोटल टर्म्स एन की जगह अब 11, ए गाइस ए इज ए वॉज ए वॉज ए है 6, ए हमारे लिए हो गया 6, लास्ट टर्म ए एन वो अपन के लिए कितने भाई लोग, वो है 56, ये हो गई 56, 11/2, 6 में 56 जोड़ देंगे तो अपन का ये आ जाएगा 62, 11 इंटू और ये 31 आ जाएगा, 31 और 11 की मल्टीप्लाई करके 11 एकम 11, 11 3 33 और 34, इस टाइप का भाई हमारा कुछ ये आंसर आ जाना चाहिए, 341। तो गाइस ये हमने समीशन फाइंड कर लिया है, ये एक क्वेश्चन मैंने किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए अभी स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप मुझे अभी करके दिखाएंगे, ओके वीडियो को पॉज करेंगे फिर। एपी है आपकी, फाइंड सम ऑफ ऑल टर्म्स। अजी इस वीडियो को पॉज कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, अपने आंसर को कमेंट में लिखिए, ठीक है 5 मिनट का समय लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को कमेंट में लिखिए। चलिए अब जो है अगर आपका आंसर आ चुका है, अगर आपका आंसर आ चुका है तो एक बार अपने आंसर को मैच कीजिए, आपका आपका आंसर सही है या नहीं है, कमेंट कर देना कि आपका आंसर सही था, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ बच्चे समझ पा रहे हैं बातों को, ठीक है। सो गाइज आपको फर्स्ट टर्म मालूम है, सेकंड टर्म मालूम है, थर्ड टर्म मालूम है, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि कौन से नंबर पे आ रहा है, तो इसे क्या मान लो ए एन, हमको ए मिल गया 12, गाइज हमें ए एन भी मिल गया 152, हमें डी भी मालूम है, डी डी इज 19 माइनस 12 दैट इज 7। ओके सो अब जो है हमें ए एन का फॉर्मूला लगाना है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए एन की वैल्यू इज 152, ए हो गया 12, एन माइनस 1 डी की जगह 7, बाकी 152 से आप 12 माइनस करेंगे देन इट विल बिकम 140, 7 से कैंसिल हो जाएगा और आपके एन की वैल्यू आ जाएगी कितना, आपके एन की वैल्यू ने आ जाना है 21, राइट। नाउ अब जो है
हमें समेशन फाइंड करना है, फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो एन तो 21 है, ए हमारे लिए था 12, ए था भैया 12 और लास्ट टर्म थी 152। सॉल्व करेंगे इसको, 21/2 164, 164 बाकी 2 8 16, 2 2 4, बाकी हम 82 की मल्टीप्लाई 21 से करेंगे तो 82 कम 82, 2 3 4, 8 2 16, 2 8 4 12, 1 7 और 1 1722। आप लोगों का आंसर आना चाहिए। बताओ भाई किस किस बच्चे का आंसर ये आ गया था। ओके कमेंट कर देना जिसका भी आ गया होगा। ठीक है चलिए अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा और अप कर लेते हैं। एपी मान लो कहीं जैसे ये जो क्वेश्चन थे ना, इन सभी क्वेश्चंस में आपको लास्ट टर्म गिवन थे। कई बार क्या होता है लास्ट टर्म हमें नहीं गिवन होती, बस बोल देता है कि जो पहली 10 टर्म है उनको जोड़ के कितना आता है ये बता दो, पहली 50 टर्म जो है उनको जोड़ के कितना आता है हम ये जानना चाहते हैं, ये बता दो बस। ठीक है तो देखो समेशन का आपने अब तक एक फॉर्मूला देखा, एन बाई टू ए प्लस ए एन। ओके अब देखिए ऐसा है ना, अब मान लीजिए आपको लास्ट टर्म नहीं मालूम, मान लेते हैं लास्ट टर्म नहीं मालूम, तो बताइए जो ए एन है, ए एन इस ए एन की जगह क्या ए प्लस एन माइनस वन डी लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता। ये ऐसा हमने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा था बेटा, ऐसा हमने ये पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा था कि जो ए एन होता है वो ए प्लस एन माइनस वन डी होता है। तो मैंने इस ए एन की वैल्यू यहां पर पुट कर दी, राइट। अब देखिए अब क्या होगा, एस एन एन बाई टू, तो आप देख सकते हैं ये ए अब आपका यहाँ पे 2 बार आ गया, क्या बन गया, ट्वाइस ऑफ ए बन गया, ये आपका बन गया ट्वाइस ऑफ ए, और आगे क्या है एन माइनस वन डी। और बेटा ये आपका सेकेंड फॉर्मूला बन चुका है, ये आपके लिए सेकेंड फॉर्मूला बन चुका है। जैसे देखो क्वेश्चन कैसे होंगे कि एपी दे दी आप लोगों को, एपी दे दी है, एपी हम मान लेते हैं 9 9 14 19 डॉट 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 डॉट। ठीक है फिर आपसे बोल देता है कि फाइंड सम ऑफ फर्स्ट फर्स्ट 16 टर्म्स। जैसे पहली ये 3 टर्म है, ये पहली 2 टर्म है, ये पहली टर्म है, ऐसी पहली 16 टर्म्स भी तो होंगी ना कुछ, ऐसे 9 के बाद 24 आएगा, फिर 29 आएगा, ऐसे कुल मिला के 1 2 3 4 5 ऐसी 16 तक चलना है हम लोगों ने। ओके तो कैसे किया जाएगा, फिर कैसे किया जाएगा, तो मित्रों ए की वैल्यू इसमें है 9, डी की वैल्यू कॉमन डिफरेंस 14 माइनस 9 दैट इज 5, और टर्म्स कितनी चाहिए, पहली 16 टर्म जोड़नी है भाई। ठीक है पहली 16 टर्म्स को हम प्लस करना चाहते हैं, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अब एस एन यानी कि S16, एस एन यानी कि S16, एन की जगह 16 पुट कर दो, पहली 16 टर्म जोड़नी है ना, तो 2 ए की जगह 9, 16 माइनस 1 और डी की जगह 5, बाकी 16 को 2 से कैंसिल किया तो ये 8 आ जाएगा, 18, 16 से 1 15, 15 इंटू 5 15 बचे 75, और 75 में जब हम 18 ऐड करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 93, 93 और आप इसमें 8 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 8 3 24, 8 3 24, 4 8 9 72 और 2 74, 744 बेटा आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो बच्चे देखो हमने पहले 16 टर्म्स का समेशन कर लिया है। ठीक है एक क्वेश्चन मैंने किया, एक क्वेश्चन आप लोग करके दिखाइए मुझे, एक क्वेश्चन अभी मैंने किया है, एक क्वेश्चन आप करके दिखाइए, आंसर कमेंट में लिखेंगे फिर, आप फिर मैच करेंगे सही है कि नहीं है। एपी है, एपी है 22 26 30 34, सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स, पहली 8 टर्म, पहली 8 टर्म्स को जोड़ना है भाई लोग, करो जरा फटाफट से स्टार्ट हो जाओ। पहली
8 टर्म्स को हमने प्लस करना है। वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसका सॉल्यूशन करना शुरू कर दीजिए। देखिए इसमें ए की वैल्यू 22, डी की वैल्यू हो गई 4 और नंबर ऑफ टर्म्स भी आपको मालूम है 8। ओके तो कैलकुलेशन अब आपको आनी चाहिए। SN का फॉर्मूला आपको मालूम है, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ओके तो SN एन यानी कि आपके लिए 8 बाई टू टू ए प्लस एन यानी कि 8 माइनस वन, और डी आपके लिए इस क्वेश्चन में 4। 8 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 8 बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी बन जाएगा 4, 44। 8 से 1 माइनस किया 7, 7 इंटू 4 करेंगे 28 आएगा भाई। 4 इंटू में 8 और 4 12, 5 2 7। ओके सो अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 2 8 और 7 4 28, 288 इनका समेशन आ रहा है गाइस। ओके सो गाइस मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको ये वाली बात समझ में आ गई है। ओके अब ना क्वेश्चन में थोड़े से अब और चेंजेस करने वाले हैं, क्वेश्चन को मैं अब क्वेश्चन में बेटा अब हम थोड़े से और चेंजेस करने वाले हैं। जैसे मैं आपसे बोल देता हूँ, एपी है यही सेम यही वाली 22 26 30, 22 26 30 डॉट डॉट डॉट। हाउ मेनी टर्म्स नीड टू बी एडेड टू गिव अ सम ऑफ 288। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन में अब कर दिया चेंजेस। देखो भाई ऐसा है ना, तुम्हें मैंने दो फॉर्मूले बताए, एक ये और एक ये। जैसे अगर मान लो ये फॉर्मूला है तो 1 2 3 4, चार में से तीन चीजें गिवेन होंगी, चौथी आपको फाइंड करनी होगी। ठीक है, अब आपको यही अब इस पूरी एक्सरसाइज में 5.3 में बस यही चलना है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कि है क्या। अब देखो जैसे यहां पे SN 1 2 3 4, चार में से तीन चीजें गिवेन होंगी, चौथी फाइंड करने के लिए बोलेगा। जैसे ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, इसमें आपको फर्स्ट टर्म मालूम है 22, आपको कॉमन डिफरेंस भी मालूम है 4, आपको पूछा गया कितनी टर्म्स को जोड़ें, कितनी टर्म्स को ऐड किया जाए जिससे कि समेशन कितना आ जाए, समेशन आ जाए 288। यानी कि आपको SN भी गिवन है गाइस, आपको SN भी गिवन है, बट गाइस आपको इस क्वेश्चन में N नहीं गिवन, इस क्वेश्चन में हमें N की वैल्यू नहीं गिवन। ठीक है, अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि फॉर्मूला कौन सा वाला लगाएं। तो देखो दो फॉर्मूले हैं, एक ये है और एक आपके सामने है N बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ओके SN मालूम है, N फाइंड करना है, ए मालूम है, AN नहीं मालूम, चार में से दो चीजें गायब है, ये फॉर्मूला नहीं लग सकता। SN मालूम है, N फाइंड करना है, A मालूम है, D मालूम है, N फाइंड करना है, चार में से तीन चीजें मालूम है, एक चीज नहीं मालूम, हमें इस क्वेश्चन में N फाइंड करना है। तो थोड़ा सा ना आपको ये चीजें सोचनी पड़ेंगी। ठीक है, बाकी अगर आपको फॉर्मूला याद हो जाए तो फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है यार, आप वो कर ही लेंगे। प्रैक्टिस थोड़ी सी चाहिए, आप क्वेश्चंस को बड़े इजीली कर लेंगे। इस वीडियो में मैं बस कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन आपके उसमें आ सकते हैं। बाकी एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप लोग 5.3 के खुद करेंगे, जो नहीं होंगे उनको उन क्वेश्चन नंबर को आप कॉमेंट करेंगे कि आपसे कौन कौन से क्वेश्चन नहीं हुए। एक ही कॉमेंट में आप लोगों ने सारे क्वेश्चन के नंबर लिख देने हैं, बाकी मैं उनके लिए फिर एक अलग वीडियो 2 3 दिन में बनाऊंगा आपके लिए, अपलोड करूंगा बेटा अलग से उस वीडियो को। ठीक है, पहले मैं चाहता हूं कि आप खुद एक बार सारे क्वेश्चन ट्राई करें। ओके तो गाइज SN की वैल्यू 288, N की वैल्यू मालूम नहीं है 2, ठीक है 2 A की जगह 22, N माइनस 1 N हमें मालूम नहीं है, D D इज 4। देखो सारी वैल्यूज मैंने फॉर्मूले में पुट कर दी हैं, राइट। अब देखो 288 N बाई 2, 22 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे बन जाएगा 44, 4 की मल्टीप्लाई N से करेंगे 4N
माइनस का 4, तो एन बाई 2, 44 में से 4 माइनस किया बन जाएगा 40, 4n, ओके। और यहाँ अंदर से जो है 4 कॉमन आ रहा है, अंदर से 4 कॉमन आ रहा है, बचेगा 10 प्लस एन, लेफ्ट में 288 ऐसे चलता रहेगा, 2 से 4 कट जाएगा 2, 2 से 288 कट जाएगा 144, ये कैलकुलेशन वाला काम है भाई, बचेगा एन और 10 प्लस एन 144, एन इंटू एन एन स्क्वायर प्लस 10n। अब आप यहां पे देख सकते हैं इधर आ चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब आपके सामने आ चुकी है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना भाई लोग आपको आता है, ठीक है। अब आप कैसे भी सॉल्व कर लो, करना इनको सॉल्व है भाई। जैसे मैं इसके फैक्टर कर लेता हूं, अगर आप ऐसे सोच पा रहे हैं बढ़िया है भाई। तो यहाँ पे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, या फिर 3 दूनी 9, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, यस, 2 दूनी 4 दूनी 8, 18 और 8, 18 और 8 इसके फैक्टर बन चुके हैं, 188 जब 144 होते हैं। अगर आप फैक्टर ऐसे नहीं सोच पाते हैं तो आप डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मा भी लगा सकते हैं, वो फॉर्मूला था ना बेटा, माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac के अपॉन में 2a, तो आप इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं, ये हमने चैप्टर 4 में सीखा हुआ है। अब इन दोनों में n कॉमन और इन दोनों में माइनस का 8 कॉमन, सो एक बार n प्लस 18 और एक बार n माइनस 8। तो गाइस जो n प्लस 18 है वो तो 0 के इक्वल अगर आप रखेंगे तो n की वैल्यू माइनस 18 आ जाएगी, जो कि n कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, n कोई नेचुरल नंबर होता है, तो n माइनस 8 को ही आप 0 के इक्वल रखेंगे और n की वैल्यू ने कितना आ जाना भाई लोग, 8 आ जाना है। और आपको याद होगा इससे पिछला वाला क्वेश्चन जो हमने किया था उसमें उसमें हमने 8 टर्म्स का ही तो समेशन किया था, क्यों जी बच्चों। सो ये चीज बेटा देखो इसी प्रकार से आपसे घुमा फिरा के कुछ ना कुछ पूछता रहेगा, ठीक है। एक काम करते हैं, थोड़ा सा एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस को मैं हिंट बता देता हूँ आप लोगों को, ओके। जैसे भाई लोग, जैसे बच्चों ये जो 5.3 का आपकी स्क्रीन पे सबसे पहला क्वेश्चन है, तो आप इसमें देख सकते हैं आपको ए गिवन है कितना 2, आपको सेकेंड टर्म गिवन है, तो सेकेंड टर्म से आपका डी आ जाएगा 5। फाइंड द सम टू एंड 10 टर्म्स, 10 टर्म्स का सम फाइंड करना है, ए मालूम है, डी मालूम है, एन मालूम है, तो एस एन का फॉर्मूला लग जाएगा सीधा ही, यहां तो आप सिंपली इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। ये फर्स्ट के चारों पार्ट आपको ऐसे करने हैं, ठीक है। अब देखो सेकेंड में देखो क्या है, ये 10.5 है ना, आप इसको 10.5 लिख सकते हैं, 10.5, तो इसमें देखो ए मालूम है 7, आपको आपको डी भी मालूम है 3.5, आपको लास्ट टर्म भी मालूम है ए एन, तो इस क्वेश्चन में पहले लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा के आप लोगों ने एन फाइंड करना है, जब एन मिल जाएगा तब आपको एस एन फाइंड करना है, तो इसके सारे पार्ट आप लोग ऐसे करेंगे, ओके ओके। अब देखिए ए गिवन है, डी गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, पहले एन निकल जाएगा एस एन निकल जाएगा, ए गिवन है, ए 13 गिवन है, और आपको डी फाइंड करना है और एस 13 फाइंड करना है, तो देखो डरने वाली बात नहीं भाई, क्वेश्चन में बिल्कुल भी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखो थोड़ा सा घुमा के दिया गया होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर ये 3 का सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट क्या, जिसमें ए गिवन है 7, आपको ए 13 भी गिवन है, ए 13 की जो वैल्यू गिवन है दैट इज 35, ओके। अब आपको डी निकालना है और आपको एस 13 निकालना है, तो भाई ये क्वेश्चन है, तो देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है बच्चों, देखो ऐसा है ना, ए 13 किसके इक्वल है, 35 के इक्वल है, ए 13 का मतलब कितना हो गया, आपको एन दे रखा है ना इसमें, ए प्लस 12d हो जाएगा, ये 35 के इक्वल हो जाएगा। अब देखो ए की वैल्यू कितनी थी, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू, अच्छा कुछ बच्चों के माइंड में ये होगा कि ए प्लस 12d कैसे आ गया, भाई देखो तुम्हें बता दूं ए एन का फॉर्मूला था ए प्लस एन माइनस 1d, ये पिछली एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट है, यहाँ जो भी नंबर होता है उससे एक कम, तो ए की जगह 7, 35, 12d इक्वल टू 35,
35 से हम 7 माइनस करेंगे तो बन जाएगा 28, और डी की वैल्यू आ जाएगी 4 सत्ते 28 बटे 3, डी आ जाएगा आपका 7/3। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है S13, बट S13 को निकालने के लिए Sn का एक फॉर्मूला होता है n/2 a+an। आप सोचिए, अगर आपको S13 निकालना है तो n की जगह 13 रख देंगे a, और n की जगह जब आप 13 रखेंगे तो a13 बन जाएगा, 13/2, a की वैल्यू थी 7 और a13 की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है 35। तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करके आपके आंसर में आ ही जाना है। तो देखो, इस तरह के क्वेश्चन आपको बुक में देखने को मिलेंगे। मैं चाहता हूं कि पहले सारे क्वेश्चंस को बेटा आप ट्राई करो, ट्राई करो भाई सबको। बाकी फिर मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूं जिसमें मैं 5.3 के क्वेश्चंस को कवर करूंगा। अभी इस वीडियो में मैंने केवल आप लोगों को कॉन्सेप्ट सिखाया है, अगर मैं पूरा अगर कराऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, ठीक है? तो मैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ बच्चों। तो ठीक है, आज जो भी चीजें आपको समझ में आई हैं, जो भी बातें मैंने बोली हैं, कमेंट कर देना एक बार। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में बेटा, ठीक है? जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।